हेलो एंड वेलकम टू एसेज माई नीस तौकीर उम एंड आई एम योर ट्यूटर फॉर दिस कोर्स थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो ये वीडियो आप तक ये ए क्लासेस के यूट्यूब चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की पी और बाकी वीडियोस की पी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो ए सी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैश ई सी टी क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाके ए सी टी क्लासेस सर्च कर सकते हो जहाँ पर आपको सारी पी मिल जाएंगी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें जोग्राफी इकोलॉजी एंड बायोडावर्सिटी कल्चर एंड हेरीटेज कंप्यूटर अवेयरनेस एप्टीट्यूड रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोज़ चाहिए तो आप ई ए टी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो नाउ विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो है उस टाइम पे 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में देवैत दो दर, एक तो होते थे जिनको हम कहते थे प्रोविंसेस एलैन प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया वॉजन लाइक जो आज की डेट में हम देखते हैं स्टेट्स जैसे हैं तो तब स्टेट्स नहीं हुआ करता था तब तब प्रोविंसेस हुआ करते थे और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स में क्या था कि वहाँ पे लोकल राजा हुआ करते थे लेकिन तो उनका ब्रिटिशर्स के साथ एक सेपरेट टाइप का एक एक एग्रीमेंट हुआ करता था अंडर द सब्सिडरी अलाइंस पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ इसी पॉलिसी के अंडर रूल करते थे तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोविंसेस थे उन पर डायरेक्टली रूल करता था ब्रिटिशर्स रूल करते थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ पर डोगरा प्रिंस का या किंग्स का राज था एंड जो ये प्रिंसेज थे दे वर रूलिंग देयर स्टेट्स अंडर सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी तो एक ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी कहते थे जिसके अंडर प्रिंसली स्टेट्स पर रूल करते थे लोकल राजा ठीक है और इन्हीं ग्यारह प्रोविंसेस और दे आर वेर हंड्रेड ऑफ दीज प्रिंस इन्ही को मिला के आपका इंडियन यूनियन बना था इन्ही को मिला के बाद में फिर आपका इंडिया, इंडिया की जो कंट्री है वो बना था और फिर उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया था अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में एक दरअ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जैसा कि आपको पता होगा वी आर वी हैव द टू हाउसेज हमारे पास लोकसभा एंड राज्यसभा है यहाँ पे एक फेडरल गवर्नेंस टाइप ऑफ गवर्नेंस है फेडरल मतलब यहाँ पे स्टेट्स में एक अलग गवर्नमेंट होती है लेजिस्लेचर होता है और सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग लेजिस्लेचर जिसको लोकसभा कहते हैं वो होता है इसके अलावा एक थर्ड टेयर ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसको सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं जो कि पंचायत की फॉर्म में है ठीक है अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है इंडियन कॉस्ट्यूम बना कैसे आखिर शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत 1600 से करनी है क्योंकि ईयर 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी जो था है ये कंपनी थी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ब्रिटेन में थी ये 1600 में इंडिया में आती है और यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है लेकिन ये ऐसे ही नहीं आती है ये आती है एक चार्टर लेके यानी वहां की जो क्वीन थी ब्रिटेन की क्वीन एलिजथ फर्स्ट उस टाइम पे जो मोनाक थी वहाँ पे उससे वो एक चार्टर एक तरह का डॉक्यूमेंट लेते हैं कि हम यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी जो है क्वीन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इंडिया जाना है हम वहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन हमें एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए यानी आप हमें लिख के दो कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी वहाँ पर जाके ट्रेड नहीं करेगी एक्सेप्ट सप्ताह क्वीन एजब उन्हें ये चार्टर दे देती है कि आप जाके ट्रेड करो इंडिया में और ब्रिटेन की किसी भी और कंपनी को हम ये राइट नहीं देंगे कि वहाँ पे को राइट नहीं है कि वो वहाँ पर जाके ट्रेड करेगा अब 1600 से शुरुआत होती है ट्रेडिंग की तो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले पहले वो ट्रेडर ट्रेडर्स थे धीरे धीरे वो अपनी कैंप्स सेटअप करती हैं धीरे धीरे वो उनका पावर है उसमें भी धीरे धीरे बढ़त होती है दे वेयर गेटिंग पावरफुल ओवर द इयर्स इसके अलावा हम देखते हैं कि लाइक बाकी यूरोपियंस हम पोर्टुगीज फ्रेंच वगैरह की को भी देखते हैं वो भी ओवर द इयर्स वहाँ पे आते हैं एंड वो भी एक तरह से इस्टबलिश करते हैं अपने सेटलमेंट्स इन इंडिया बिजनेस करने के दौरान उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्स भी होते हैं लाइक like हम ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस बाकी यूरोपियंस लाइक ब्रिटिशर्स और पॉर्टगीज़ या ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हम बहुत सारे बैटल्स भी देखते हैं इन uh, सोलह सौ के बाद जो ईयर्स आते हैं लाइक like वो सेवनटीन सेंचुरी में बहुत सारी जंगें होती हैं बहुत सारे बैटल्स होते हैं ट्रेडिंग को रिलेटेड ही होते थे बिकॉज वो चाहते थे कि एवरीबडी वॉन्टेड to have monopoly इन इंडिया एंड इसी के दौरान उनके पास forces भी होते हैं यानी एक आर्मी भी होती है ब्रिटिशर्स के पास फिर उस टाइम पे मुगल्स इंडिया में primarily थे लाइक नॉर्थ के अंदर एंड वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में Marathas का rule था नीचे निजाम महैदर अली इनके अपने अपने छोटे छोटे किंगडम्स थे तो एज यू कैन सी इन द मैप उस टाइम पे इंडिया जो था वो डिवाइडेड था इन टू डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट स्मॉल स्मॉल किंगडम्स एंड उसमें से कुछ रीजन ऐसा भी था जिसपे ब्रिटिश जो ब्रिटिश एक्वाड था 1764 में एक मेजर बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स एक तरफ से होते हैं जिसमें दूसरी तरफ से लीड कर रहे होते हैं एक मुगल रूलर जो उस टाइम पे होते हैं शाह आलम सेकेंड और इसके अलावा बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला मिल के एक बैटल लड़ते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लेकिन ब्रिटिशर्स वो जंग जीत जाते हैं ये एक मेजर बैटल होता है और ये एक मेजर विन होती है फॉर द ब्रिटिशर्स सेवनटीन की ये बात है और इन एक सालों में लाइक शुरुआत की थी पहले इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी लेकिन ओवर द ईयर्स उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया था एज ए पावरफुल पावर हाउस इन इंडिया 1765 में यानी उसके अगले साल इन ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलती है इन्होंने मुगल्स को हराया था तो अब इन्होंने बंगाल बिहार और उड़ीसा वहाँ की दीवानी इन्होंने हासिल की है दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड कर रही थी वो ट्रेडिंग कर रही थी बिजनेस कर रही थी लेकिन अब उन्होंने रेवेन्यू राइट्स हासिल किए अब उनको अब मुगल एम्प्रायर ने रेवेन्यू राइट्स दिए और सिविल जस्टिस राइट्स दिए यानी अब उनको हक था अब वो यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे बंगाल बिहार और उड़ीसा में और साथ में सिविल जस्टिस यानी लोकल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए लाइक like, अब ईस्ट इंडिया कंपनी और सबको देखती थी तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो की शुरुआत होती है फ्रॉम बीइंग ए ट्रेडिंग कंपनी टू बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अब वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वो को भी देख रहे थे ये कैसे हुआ था क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में मुगल्स को हराने के बाद उन्हें मुगल्स ने लाइक like, ऑब्वियसली हार गए थे तो फिर ईस्टियन कंपनी ने, ने उनसे दीवानी ली उनको बोला कि अब आप लोग हार गए हो अब एक काम करो अब यहाँ के जितने भी टैक्सेस होंगे अभी तक आप देख रहे थे अब यहाँ से टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे ठीक है और सिविल जस्टिस के मैटर्स जो होंगे अब हम देखेंगे अब आप लोग साइड में हट जाओ इसके बाद 1765 के बाद से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये दीवानी थी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ये रूल्स देख रही थी लेकिन एक चीज़ है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है इन सात सालों में या इन सेवनटीन सेवनटी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो यहां पे थी लेकिन ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से देख रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत है अभी तक चलो ये जो भी कर रहे थे लेकिन अब हमें इसको रेगुलेट करने की जरूरत है अब इस पर एक तरह से नजर रखने की जरूरत है या अब इस पर रेगुलेशन लागू करने की जरूरत है तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पास करती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कि होता है इसीलिए कि हम अब रेगुलेट कर रहे हैं कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उस 1773 से 1858 तक कंपनी का रूल होता है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है 1857 में जब रिवोल्ट होता है The Revolt of 1857, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा उसके बाद 1858 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पास करती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कहती है कि आज तक कंपनी रूल कर रही थी या आज तक कंपनी देख रही थी लेकिन आज के बाद से डायरेक्टली हम रूल करेंगे तो कहने का मतलब है कि 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी या आप मान सकते हो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा था यहाँ पे रूल करने के लिए वही सब देख रही थी लेकिन 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने बोला कि अब हम डायरेक्टली यहां पे रूल करेंगे ठीक है अब हम अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू नहीं करेंगे वी विल रूल अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे तो 1858 से लेके 1947 तक आपका क्राउन रूल रहता है तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए 1773 से लेके 1858 तक आपका कंपनी का रूल था और 1858 से लेके 1947 तक क्राउन रूल था अब यहाँ पे 1773 से क्यों कहते हैं हम 1765 से क्यों नहीं कहते क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने 1773 में एक्नॉलेज किया कि हम वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को रख रहे हैं टू एडमिनिस्टर थिंग्स एक तरह से एक्नॉलेज किया इस बात को कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम वहां पे रख रहे हैं एडमिनिस्टर करने के लिए थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट तो इसमें इंपॉर्टेंट आई गेस समझ आ गई हूँ ये चीजें क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है तो ये याद रखोगे तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अब आप मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्ट था ना बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसमें बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ये चीजें करनी है ये इस तरह से उनका एक हम आगे देखेंगे वेल टॉक अबाउट हम देखें ना गवर्नर जनरल होगा जो की ये सब चीजें देखेंगे तो ओवर द ईयर्स फिर बहुत सारे और लॉज पास हुए बहुत सारे एक्ट्स पास हुए 1773 के बाद से और भी बहुत सारे एक्ट्स पास हुए और वो एक्ट्स जो पास हुए वही एक्ट्स जो है वही बाद में फिर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद वही एक्ट्स बने थे 1773 में आप रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया था फिर 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद तीन चार्टर एक्ट्स आए थे 1813 1833 और 1853 में ये एक्ट्स क्या थे बेसिकली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ एक्ट्स पास करती थी इंडिया को किस तरह से है, है, हैंडल करना है? यानी इंडिया के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाएगी ब्रिटिशर्स किस तरह से रूल करेंगे यहाँ पे क्या-क्या प्रोविजन होंगे वही एक्ट्स जो हैं वही एक्ट्स ये एक्ट्स हैं इसके बाद फिर 1857 में जैसे मैंने बोला कि जब रिवोल्ट होता है उसके बाद रिवोल्ट के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको थोड़ा झटका लगता है और वो बोलते हैं कि अब हम मेजर चेंज लाएंगे यहाँ की गवर्नेंस में और अब हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला रहे हैं जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के गवर्नमेंट इस तरह से होगी इस तरह से लोग जो है इलेक्ट किए जाएंगे या अपॉइंट किए जाएंगे फिर तीन इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं 1861, सिक्सटी और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट्स हैं फिर 1919 में और एक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है फिर साइमन कमीशन 1927 में आता है जिसके बाद गो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं क्योंकि ये फेल हुआ था इसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है जो कि मेजर एक्ट है क्योंकि ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है यही बुनियाद बनता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको माना जाता है एज द स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली इसी पर बेस्ड है वो प्राइमरि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव पे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जिस तरह से बताया गया था कि इस इस बंदे को इस तरह से अपॉइंट करना है इस सुप्रीम कोर्ट ऐसे होगा ये सारी चीजें जो हैं मेजरली मेजरली जो जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाई सम चेंजेस इस एक्ट में जो है वो चीजें कुछ चीजें नहीं थी जो 1947 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी लेकिन प्राइमरली यहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है फिर नाइनटीन में क्रिप्स मिशन आता है कैबिनेट मिशन प्लान नाइनटीन और फाइनली फिर सेवन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है इस पर क्वेश्चन आ सकता है डेट्स पे क्वेश्चन आई लाइक क्रिप्स मिशन पूछा जा सकता है कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान साइमन कमीशन पिट्स इंडिया एक्ट बाकी इन एक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है जो मैं आपको आगे बोलूंगा तो दिस इज हाउ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंस ये सारे एक्ट्स आए थे तब जाके फिर आजाद जब हुआ तो तब जाके आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है तो वी विल स्टार्ट विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था दिस वाज द द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द दफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया तो सिक्सटीन से लेकर सेवनटीन तक ईस्ट इंडिया कंपनी को आप मान सकते हो कि एक वो एक अलग एंटिटी थी उसको ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग छोड़ा था कि आप लोग ट्रेड करो आपको जो मन करे तो वो ओवर द ईयर्स उन एक सालों में वो उनका जो मन कर रहा था वो कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको दिया हुआ था कि आप जो करो आप ट्रेड करो या उन्होंने कुछ बैटल्स भी लड़ी थी वो अपने हिसाब से कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई कंट्रोल उन पर नहीं किया हुआ था लेकिन 1773 में ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि नहीं अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में जो ट्रेड कर रही है उसको थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है क्योंकि उनको एक चीज था कि तब तक वो ट्रेडिंग कंपनी थी लेकिन 17, में बैटल ऑफ वर्क से जीतने के बाद अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी अब वो यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रही थी यहाँ पे रूल कर रही थी एक तरह से तब तक क्या होता था जैसे मैंने आपको बोला था उस टाइम पे एक तो होते थे कि प्रोविंसेस होते थे और दूसरा आपके प्रिंसली

गवर्नर्स हुआ करते थे इनके गवर्नर्स हुआ देर वॉज अ गवर्नर जो एक बॉम्बे का गवर्नर होता था एक मद्रास uh, का गवर्नर होता था और एक uh, आपका बंगाल का गवर्नर होता था तब तक ये अलग अलग थे ये जो थे देवेर ऑल आप मान सकते हो इनका इनके सेम पावर्स थे जितना गवर्नर ऑफ बंगाल पावरफुल था उतना ही गवर्नर ऑफ मद्रास और उतना ही गवर्नर ऑफ बॉम्बे पावरफुल था लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसमें बोला गया कि उसमें लिखा था कि जो गवर्नर है बैंक ऑफ बंगाल है जो गवर्नर ऑफ बंगाल है अब की डेट से वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा जो फोर्ट विलियम में होता था एज ए फोर्ट जो कहाँ पे है बंगाल के अंदर है ठीक है वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में तो जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको बनाया गया है सबॉर्डिनेट तो एक तरह से गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो हेड बना सबका एक तरह से ठीक है एंड वॉन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पूछा जाता है तब तक गवर्नर्स हुआ करते थे लेकिन फिर गव, बंगाल के गवर्नर को कहा गया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड उस टाइम पे जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था वॉन हेस्टिंग्स ये बहुत पूछा जाता था ये आपको याद रखना है और बोला गया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी गवर्नर जनरल की यानी गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी चार लोगों की एक काउंसिल होगी जो कि हेल्प करेगी गवर्नर जनरल को ठीक है इट्स सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी इस एक्ट से जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे वो सबॉर्डिनेट्स बन गए किसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के यानी वो गवर्नर जनरल टॉप पे आ गया सबसे पावरफुल वो बन गया और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको वो सबॉर्डिनेट्स बन गए वो उसके नीचे काम करने लग गए ठीक है और साथ में 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया एट फोर्ट विलियम कोलकाता ये कैलकाटा ये याद रखना ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन 1774 एट फोर्ट विलियम कैलकाटा ये याद रखना है ये बहुत पूछा जाता है ये डेट आपको याद होनी चाहिए और इस एक्ट में ये भी लिखा गया था कि जो सर्वेंट्स होंगे कंपनी के यानी कंपनी के जो मुलाजिम होंगे उनको प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम एनी प्राइवेट ट्रेड यानी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मुलाजिम होगा वो प्राइवेट अलग कोई अपना ट्रेड नहीं कर सकता था एंड ऑल्सो वो लोकल से यहाँ के नेटिव से ब्राइब नहीं ले सकता था उससे भी उनको वो प्रोहिबिट कर सकता था प्रोहिबिट करता था ये कुछ चीज़ें थी जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट में आती थी, थी और साथ में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू यानी जो कंपनी ट्रेड कर रही है उसका या रेवेन्यू जो जनरेट होता है यहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिपोर्ट करेगा टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट हर साल या जितने भी टाइम है कि हमें कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ जो टैक्स हमने कलेक्ट किए ठीक है थीक्या? तो अगर मैं बोलूं कि रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या क्या लाया रेगुलेटिंग एक्ट वाज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इसने गवर्नर जनरल बनाया बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया वॉन हेस्टिंग्स फॉर द फर्स्ट गवर्नर जनरल और जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे वो सबॉर्डिनेट्स बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया फोर्ट विलियम कैलकटा में 1774 में और आल्सो इसने प्रोहिबिट ये प्रोहिबिट करता था कंपनी के सर्वेंट्स को फ्रॉम एनी प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द लोकल्स और साथ में इसने बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो रिपोर्ट करेंगे अपना रेवेन्यू टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ठीक है इसके बाद आता है आपका पिट्स एक्ट ऑफ 1874 1784 पिट्स वाज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन उस टाइम पे 1784 में 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो फिर 10 सालों में क्या हुआ कि इनको लगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो चीजें हमने लाई थी या जो हमने रेगुलेशन लाई थी वो फॉलो नहीं हो रही हैं अच्छे से उन्हें लगा कि ये जो है ये प्रॉपरली चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं तो इस वजह से उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक एक्ट लाया नोन बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेवनटीन यानी उसके ग्यारह साल बाद ठीक है इस एक्ट ने क्या किया पहली जो प्राइमरी चेंज लाई वो ये थी कि इट द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी यानी कंपनी का कमर्शियल हिस्सा अलग कर दिया और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिया यानी उसके लिए अलग लोग रखे और उसके लिए अलग लोग रखे ठीक है कंपनी में दो होते थे एक होता था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरे होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आप लोग कमर्शियल फंक्शंस देखो और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको बोला आप पॉलिटिकल अफेयर्स देखो यानी आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन देखना है आपको जो वहाँ का टैक्सेस कलेक्ट करना है रेवेन्यू वगैरह आप वो सब देखो अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी जो 1773 में चार मेंबर्स की रखी गई थी उसको रिड्यूस टू थ्री कर दिया आप तीन ही मेंबर्स रहे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और यहाँ पे इट प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और बोला कि आज के बाद जो इंडिया के अफेयर्स होंगे अब हम यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये कंट्रोल में आ रहे हैं ठीक है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसने बोला कि जो कंपनी की टेरिटरीज हैं इंडिया में यानी जहां जहां पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है उसको अब आज की डेट से हम बोल रहे हैं कि ये एक ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में यानी ये हमारी जागीर है हमारी जायदाद है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही है लेकिन है असल में ये ब्रिटिशर्स की गवर्नर काउंसिल जो है गवर्नर की काउंसिल एस्टैब्लिश की गई कहाँ पर मद्रास और बॉम्बे में भी ठीक है अब इसके बाद जो आता है अब वो आता है आपका चार्टर एक्ट 1813 तो पिट्स में था, दूसरा उस, in in इसके बाद चार्टर एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813 में आता है 1600 सो में जिस चीज की शुरुआत हुई थी दैट इज मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो चार्टर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या आप लोगों को एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो ब्रिटेन से जाके वहां पे उसको 1813 में चेंज किया गया उसको 1813 में ख़त्म किया गया बाई चार्टर एक्ट 1813, 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है जो बोलता है कि कंपनी का जो अभी तक मोनापली था ट्रेडिंग का वो ख़त्म कर देते हैं अब कोई भी जाके कोई कंपनी जाके वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकती है अब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनापली नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट है 1813 में सबसे इसमें ऑब्वियसली इतना ही नहीं था इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी बट मेन चीज उसमें ये थी कि क्वेश्चन आप कल को आ सकता है कि द ट्रेडिंग मोनापली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टर्मिनेटेड बाई चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन रेगुलेटिंग एक्ट सेक्ट थर्टीन थर्टी एटीन थर्टी थ्री और पिट्स इंडिया एक्ट यू शुड रिमेंबर इट्स चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन इसके बाद आपका चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री आता है चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री आता है एंड इसमें जो सबसे मेजर बात थी वो ये थी कि इट मेड द गवर्नर जनरल जिसको 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया उनको बनाया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वहीं से सारा कंट्रोल होता था ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे लॉर्ड विलियम बैंटिक हमने देखा था फर्स्ट हमने देखा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वॉन हेस्टिंग्स थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बैंटिक थे और 1833 के जो चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था फर्ट स्टेप टूवर्स इन ब्रिटिश एक ही जगह पे जो लाया गया था वो इसी के थ्रू लाया गया था अब इस एक्ट ने इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया एज एन कमर्शियल बॉडी हमने देखा था पहले पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को अलग किया गया और पोलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया एटीन थर्टीन में हमने देखा कि जो उसका कमर्शियल पार्ट था उसको बोला गया कि अब आपके एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स हम टर्मिनेट कर देते हैं मोनापली आपकी खत्म कर देते हैं और 1833 में बोल देते हैं कि आपके सारे कमर्शियल कर रहे थे या जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे थे उसको ही हम टर्मिनेट कर रहे हैं उसको हम खत्म कर रहे हैं आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या एक पॉलिटिकल बॉडी है ना कि एक ट्रेडिंग अब आप ट्रेडिंग नहीं करोगे अब आप सिर्फ यहाँ पर राज करोगे तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे कैसे फ्राम बींग ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम बींग ए कमर्शियल बॉडी धीरे धीरे कैसे एक पोलिटिकल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रही है ठीक है इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1853 का अब आप देख रहे हो ये कहाँ पे पहुंच रहा है धीरे धीरे हम 1857 के करीब पहुँच रहे हैं चार्टर एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो था इसमें जो लेजिस्टिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के वो अलग किए गए मैंने जैसे बोला जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी जो पहले चार मेंबर की फिर उसको तीन मेंबर का कर दिया गया था उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया दिस वाज अ प्राइमरी पार्ट ऑफ 1853 का जो था एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब गवर्नर जनरल की दो काउंसिल्स हुआ करती थी एक लेजिस्टिव काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप मान सकते हो तो जो छः मेंबर अब वो छः मेंबर की हो गई थी पहले चार की थी की ये यूजली नहीं पूछा जाता कितनी की थी अब यहाँ पे जो सिक्स मेंबर्स होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फोर आउट ऑफ द मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा में थी चार वो अपॉइंट करते थे उसमें से ठीक है एंड इट इंट्रोड्यूस एन ओपन सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन ऑन द बेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी उससे पहले क्या होता था उससे पहले एक रेफरेंस हुआ करता था जो ब्रिटेन से जिसको वो रेफरेंस मिलता था वो यहाँ पे आके कंपनी में सिविल सर्वेंट बनता था लेकिन उसके लिए अब वो रेफरेंस नहीं था अब उसके लिए एक ओपन सिस्टम रखा गया कि इंडियन सिविल सर्विस की सबके लिए ओपन रखा गया यहाँ पे इंडियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई भी लाइक like ब्रिटिशर या वहाँ से आके कंपनी में आप काम कर सकता था कंपनी में एक ऑफिशियल बन सकता था वो ओपन टू ऑल कर दिया गया तो 53 के जो चार्टर एक्ट में मेन दो चीज़ें थी एक था लेजिस्टिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के उसके सेपरेट किया गया एंड ओपन कॉम्पटिशन रखा गया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स तो यहाँ तक हम देखते हैं एटीन तक आपका जो कंपनी रूल है वो चल रहा है 1857 में आपका रिवोल्ट होता है और 1857 में ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अब कंपनी को हटा देते हैं अब हम खुद आ जाते हैं आप जो भी होगा डायरेक्टली पार्लियामेंट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं रखेंगे तो उसके लिए आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन Government of India Act 1858 जो है ये ये वो एक्ट था जिसने company rule को replace किया by the rule of crown. अब वहां का ब्रिटेन का जो था, ब्रिटेन में जो था, में किंग या क्वीन थी वो अब डायरेक्टली रूल कर रही थी इंडिया के अंदर ठीक है सो द पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वेर टू बी एक्सरसाइज बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो अब ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ब्रिटिश क्राउन या वहां का जो मोनार्क है वो यहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रखेगा और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे नहीं होता था वो एक्चुअली वहीं पे होता था ब्रिटेन में ही तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रखा गया और वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वही अब क्राउन की तरफ से या ब्रिटेन के मोनार्क की तरफ से इंडिया पर राज करेगा अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें पंद्रह मेंबर रखे गए

और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या किया उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोला कि आप खुद तो रहोगे ब्रिटेन में लेकिन इंडिया में आप एक वॉइस रॉय को रखोगे जो आपका एक एजेंट रहेगा जो आपकी तरफ से वहां पर रूल रूल करेगा आई होप ये चीज आप समझ रहे हो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको सारा पावर दिया गया एंड वो अपनी तरफ से एक एजेंट को रखता है जिसको वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहते हैं तो तभी से जो गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया का जो हमने अभी बोला कि 1833 के चार्टर एक्ट ने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था उसी को अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहा गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइस रॉय कहा गया और वाइस रॉय क्या था वाइस रॉय वॉज द एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता था तो आप इस तरह से मान सकते हो कि यहाँ रू यहाँ जो रूल करता था वो वाइस रॉय करता था वाइस रॉय रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को क्योंकि वो उसी के अंडर आता था और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था वो क्राउन को रिप्लेस या वहाँ की पार्लियामेंट को या वहाँ के मोनार्क को रिपोर्ट करता था ठीक है अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट्स लॉर्ड कैनिंग वो पहले वॉइस रॉय थे तो फर्स्ट वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग हमने देखा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वॉन हेस्टिंग्स थे हमने देखा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो चार्टर एक्ट 1833 में देखा बनाए गए उनका नाम था विलियम बैंटिक और हम देख रहे हैं कि अब एटीन में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइस रॉय बनाया गया और वॉइस रॉय जो पहले थे इंडिया के उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग तो मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉन हेस्टिंग्स फिर चार्टर एक्ट 1833 में जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको बोला गया कि अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो विलियम बैंटिक थे और फिर 1858 में बोला गया कि अब जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है अब इसको बनाया जाता है एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कोर्ट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे जो पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को देखे थे उसको टोटली totally अबॉलिश कर दिया गया अब उसकी ज़रूरत नहीं थी तो अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मेजर प्रोविजंस की बात करूँगा तो फर्स्ट प्रोविजन वाज इट रिप्लेस द कंपनी रूल बाय द क्राउन रूल अब से क्राउन रूल शुरुआत होती है ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करती है इन इंडिया फ्राम एटीन फिफ्टी एट थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसको असिस्ट करती है एक काउंसिल एक फिफ्टीन मेम्बर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो अपनी तरफ से एक वॉइस रॉय को बिठाता है एज एज एजेंट फर्स्ट वॉइस रॉय जो है वो आपके लॉर्ड कैरिंग थे जो कि फर्स्ट वॉइस रॉय थे ठीक है इंपॉर्टेंट है इसके बाद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आता है इसमें कुछ जो चेंजेस लाई गई थी वो क्या थी फर्स्ट वॉर्स की इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशन लाइक वॉइस रॉयज एग्जेक्टिव एंड लेजिलेटिव काउंसिल अब यहाँ पे जो वॉइस रॉय की एक जैसे हमने देखा वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की एक काउंसिल होती थी वैसे ही वॉइस रॉय की एक यहाँ पे काउंसिल होती थी पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह मिली लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एस्टैब्लिश सेंटर एंड प्रोविंस यानी सेंटर में वॉइस रॉय और जो प्रोवेंसेस हुआ करते थे वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की गई ठीक है इस पर इंपॉर्टेंट है इट प्रोवाइड दैट वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव सम इंडियंस यानी इसमें एक ये भी प्रोविजन था कि जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी कुछ इंडियंस होने चाहिए एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ठीक है इसके अलावा इट आल्सो अकॉर्डेड फॉर द स्टैचुरी रिकोगशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इसके बाद इट ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसन अभी तक जो हम देख रहे थे सेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी धीरे धीरे जो पावर जो था वो एक ही जगह पर जो है वो जमा हो रहा था अब डिसेंट्रलाइजेशन की धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी क्योंकि हम देखते हैं कि जो पावर जो पहले प्रोविंस का लिया गया था बेंगाल प्रेसिडेंसी में को ज़्यादा पावर दिया गया था अब धीरे धीरे जो उस टाइम पे मद्रास और बॉम्बे के प्रोविंस के आ, का जो पावर था वहां के जो गवर्नर्स थे उनका पावर कम किया गया था अब धीरे धीरे जो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर किया गया यानी अब वो भी कानून बना सकते थे अपनी अपनी जगह पे ठीक है तो इसमें जो मेजर था वो एटीन सिक्सटी वन के इंडियन काउंसिल एक्ट में वो यही था कि फॉर द फर्स्ट टाइम वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमें तीन इंडियंस देखने को मिलते हैं ठीक है अब इसके बाद 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पे लोग खुद चूज़ करेंगे दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी लोगों ने किसी को चूज किया है तो वो अगर किसी को फिर चूज करेंगे वो एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया यहाँ लोग नहीं करते थे यहाँ पे नॉमिनेशन होता था मतलब दस पंद्रह लोग हैं वो नॉमिनेट करेंगे किसी एक को इनडायरेक्ट हो गया ठीक है तो या इनडायरेक्ट इलेक्शंस या नॉमिनेशंस की शुरुआत होती है 1892 में इसके बाद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 का जिसको मॉर्लीमेंटो रिफॉर्म्स कहते, कहते हैं जो बहुत ही मॉर्मेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन यूजली आता है तो याद रखना नाइनटीन के जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसी को हम मॉर्लीमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं क्योंकि आई गेस उस टाइम पे वॉइस रॉय उस टाइम पे जो थे उनका नाम मिंटो था ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस टाइम पे थे मॉडले ठीक है अभी तक इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन थे अब डायरेक्ट इलेक्शन से लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट किया गया यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग थे उनको डायरेक्ट इलेक्शन से अब यहाँ पे इलेक्ट किया जाता था और इट चेंज द नेम ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो वॉइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसका नाम अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया और जो सेंट्रल लेजिसटिव काउंसिल में 16 लोग हुआ करते थे अभी तक उसको अब 60 कर दिया गया नाउ दे आर 60 पीपल इन द सेंट्रल लेजिस्लेटि काउंसिल एंड इट आल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है अक्सर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट तो याद रखना वो मिनटों को कहा जाता है याद रखना कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत मॉर्ले मोर्लीमेंटो ने की थी ये याद रखना है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह मिली एंड डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था इन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये पूछा जाता है ये आपको याद रखना है तो 1909 में हमने देखा इसको मोर्लीमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल एलेक्टोरेट की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर क्वेश्चन आता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह मिली एंड सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्ना सिन्हा को लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था काउंसिल में ठीक है इसके बाद 1919 19 में जो एक्ट आता है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स Montagu-Chambers फॉर same सेम अगेन एक वॉइस था दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ठीक है ये याद रखना 1909 वाले को मॉलिमटो मौन, रिफॉर्म्स और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चाइम्स फॉर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं अब यहाँ पे जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे दे वेर डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवेंशियल सब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जैसे जो हम बोलते हैं ना जो मैंने आपको बोला कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट अब यहाँ पे प्रोविंशियल लिस्ट को अलग किया गया और सेंट्रल लिस्ट को अलग किया गया यानी बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर कानून बनाएगी और प्रोविंसेस किन किन पे बनाएगी उनको अलग किया गया तो द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वे सेपरेटेड द स्कीम ऑफ डायरार्ची वाज या डिवल गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स यानी तो आ, आपको दो चीज़ें याद रखनी है एक होता है बाई कैमरलिज्म एक होता है डायरार्ची तो अगर हम बाई कैमरलिज्म की बात करेंगे तो बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है जब दो हाउसेज होते हैं एक होता है जैसे हम देखते हैं कि एक लोकसभा एक राज्यसभा एक लेजिस्टिव असेंबली एक लेजिलेटिव काउंसिल है उसको हम बाई कैमरलिज्म कहते हैं दूसरा होता है डायरारची तो डायरारची में क्या होता था इसमें दो कैटेगरीज में प्रोवेंशल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया यानी प्रोवेंशल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया एक को कहा गया रिजर्वड और दूसरे को कहा गया ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे उन पे गवर्नर कंट्रोल उनको गवर्नर उस उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो कंट्रोल करती थी और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे उनको मिनिस्टर्स जो थे मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो आ, हैंडल करते थे थी. ठीक है

तो वैसे ही वहाँ पे एक लेजिस्टिव असेंबली रखी गई जिसमें 140 मेंबर रखे गए और एक लेजिस्टिव काउंसिल रखी गई जिसमें 60 मेंबर हुआ करते थे थी, ठीक है बाई कैमरलिज्म यही है एक लेजिलेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल रखी गई डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ भी हुए थे एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड कि वॉयस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में छः में से तीन इंडियंस होने चाहिए थे ठीक है एंड ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी को हमटेगू चम्स भी कहते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया गया उनको सेपरेट किया गया फ्रॉम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डायराची को इंट्रोड्यूस किया गया इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इसके अलावा हमने पहली बार देखा बाई कैमरलिजम एट द सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग एक और साठ मेंबर इसमें रखे गए पब्लिक सर्विस कमीशन का अक्सर पूछा गया जाता है वो नाइनटीन का आप याद रखना ठीक है इसके बाद आपका साइमन कमीशन आता है अगर आपको पता होगा सर जॉन साइमन जो हेड करते थे इस मिशन को इसमें सेवन पीपल थे इसमें इसको 1927 में बनाया गया था इसको इंडिया भेजा गया था कि आप देखो कि जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जो हमने लाया है उसकी वर्किंग को देखो आप उसकी वर्किंग को देखो आप कि वो क्या वो सही काम कर रहा है एंड 1927 में ये यहाँ आया था एंड 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एंड इसने जब रिपोर्ट सबमिट की थी तो इंडियंस ने माना था कि ये एक फेलियर था इट वॉज एबल टू सर्व इट्स पर्पज तो उसी वजह से फिर गोम साइमन गो बैक के नारे लगे थे ठीक है इस ने जो रिपोर्ट बनाई थी इस कमीशन ने जिसको हेड करते थे सर जॉन साइमन इसको फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एग्जामिन किया था एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल जो 1935 में उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसको इसी हिसाब से बनाया जाता है ठीक है पाँच साल बाद जो बनता है तो हमने यहाँ देखा कि नाइनटीन में मॉन्टेगो चमसो रिफॉर्म्स जो आपका नाइनटीन नाइनटीन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसकी वर्किंग को देखने के लिए उसकी वर्किंग को इंक्वायर करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है सर जॉन साइमन हेड उसको करते हैं 1927 में उसको फ्रेम किया जाता है वो रिपोर्ट अपनी तीन साल बाद देते हैं 1930 में और फिर उसी रिपोर्ट की बेस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट नाइनटीन थर्टी में मैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाती है तो नाइनटीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसमें और यही नाइनटीन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये बनता है आपका बैकबोन और द यही बनता है आपका जो स्कैल्टन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वही एक्ट बनता है इस एक्ट के जो प्राइमरी प्रोविजंस थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट इज द फैक्ट दैट दिस प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन तो इसने बोला कि अब एक ऑल जो इंडिया है ये एक फेडरेशन होगी जिसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे ठीक है तो इसने कहा कि इंडिया अब इंडिया के प्रोविंसेस और इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स मिलके के यहाँ का एक एक फेडरेशन बनाएंगे सेकंड इसने तीन लिस्ट इंट्रोड्यूस की अब तीन तरह के सब्जेक्ट्स होंगे एक फेडरल सब्जेक्ट फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट फेडरल लिस्ट मतलब जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी यानी इन इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी प्रोविंशियल लिस्ट यानी इन पे प्रोविसेज या जो स्टेट्स होंगे वो अपने कानून बनाएगी सॉरी प्रोविसेज की हम बात करें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट इस पे दोनों कानून बना सकते हैं ठीक है सो फॉर द फर्स्ट टाइम थ्री लिस्ट जो है वो इसी एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था फेडरल लिस्ट ये आज की में 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 भी हमने देखा जो जो मैं जब मैंने आपको तो मैंने आपको आपको पढ़ाए थे तो पे पे बोला था Federal list में जो Central जिन पे कानून है है उसमें को रखा जाता है। Provincial list में 54 और concurrent list में 36 को रखा जाता है और रेस्टिडरी पावर्स जो है वो रखे जाते हैं किसके पास गवर्नर जनरल एक्ट जो है ये एबॉलिश करता है को जो डायराज में डायरा लाई गई थी उसको एबॉलिश किया जाता है और यहाँ पे एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की जाती है लेकिन यहाँ पे सेंटर में अब डायराजी लाई जाती है बाई कैमरलिज्म जो सेंटर में लाई गई थी 1919 में अब बाई कैमरलिज्म को प्रोविंस में भी सिक्स प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट यानी सेंट्रल कोर्ट की एस्टेबलिशमेंट की भी बात की जाती है और ऑल्सो जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश किया जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि असिस्ट करती थी वायसराय को आई होप सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो असिस्ट एस, एस, करती थी तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी लेकिन वो कभी बनी नहीं लिस्ट्स में वी हैव द थ्री लिस्ट जो जून को इंट्रोड्यूस किया जाता है फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो आज की डेट में भी है जो प्रोविंसेस में जो डायरार्ची थी उसको ख़त्म किया जाता था इसके बाद यहाँ पर डायरार्ची एट देंटर वाज इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म जो पहले हमने देखा था प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था अब बाई कैमरलिज़म जो है उसको सेंट्रल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जाता और साथ में काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको एबॉलिश किया जाता है इसके बाद ये तो थी 1935 की बात इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है क्रिप्स मिशन को हेड करते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे वो मार्च 1942 में आते हैं एंड ही केम विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ये प्रपोजल्स थे जो थे दे वर टू बी एडॉप्टड एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोवाइडेड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कोड एडोप्टे बेसिकली ये कुछ वहाँ से लाए थे एक ड्राफ्ट लेके इंडिया आए थे ठीक है कुछ प्रपोजल्स लेके आए थे इंडिया की तरफ एंड इस प्रपोजल में क्या था फर्स्ट वाज कि इसमें बोला गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जिसको बनाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसको इंडियंस इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को एक डोमिनियन का स्टेटस देगी यानी ये इंडिया की आज़ादी की ही बात कर रहा था लेकिन डोमिनियन क्या होता है अगर आपको पता होगा कि एक होता है डोमिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है लेकिन वो एक्नॉलेज करती है ब्रिटिश uh, क्राउन को एज द सुप्रीम लीडर तो डोमिनियन आप मान सकते हो एक सेमी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट है कंट्री अपने एक कानून बना सकती है लेकिन स्टिल वो क्राउन को या ब्रिटेन के गनाक को uh, अपना हेड मानती है ठीक है तो इस मिशन या जो क्रिप्स मिशन था इसने जो प्रपोजल uh, दिया था उसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो इंडिया एक डोमिनियन बन जाएगा पहले जो था लाइक इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फिर बोला कि आप लोगों को डोमिनियन बनाएंगे उसके बाद फिर रिपब्लिक ठीक है देयर शुड बी वन यूनियन गवर्नमेंट देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन इसने बोला कि इंडिया एक ही यूनियन बनेगा जिसमें प्रोविंसेस और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वो सारे आएंगे एनी प्रोविंस या कोई भी इंडियन स्टेट प्रिंसली स्टेट नॉट एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन would be free to retain its constitutional position existing at that time and with such non exceeding provinces the british government could enter into separate constitutional agreement yani jo province jo states the jo princely states the ya jo provinces the unko bola gaya ki aap की फ्री विल है आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो ठीक है जिसमें आपका जेनेट के भी आता था जिसने नहीं किया था एक्सेप्ट लास्ट में तीन बचे थे अगर आपको पता होगा तो क्रिप्स मिशन में हमने देखा था कि इसमें इसको भेजा गया था एंड इसने कुछ प्रपोजल्स दिए थे इसने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी एंड इट ऑल्सो सैड कि इंडिया एक यूनियन होगा एंड ये 1942 में आया था ये आपको याद रखना इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में लॉर्ड एटली वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पर उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया जिसमें तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिसमें आपके आते थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में भी थे एंड इसके अलावा मिस्टर ए वी एलेक्सेंडर ये तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया आते हैं और इसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं जो आप कैबिनेट मिशन प्लान या क्रिप्स मिशन पढ़ रहे हैं ये ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अब इंडिया को आज़ाद करने की जो है शुरुआत कर रहे थे एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा था और कैबिनेट मिशन प्लान भी उसी लिए यहाँ पे आया था ठीक है इसका मकसद यही था इंडिया को अब धीरे धीरे आज़ाद करना है एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है जो कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी द कैबिनेट मिशन जो है इट रिजेक्टेड द क्लेम फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम अगर आपको बताओ मुस्लिम लीग ने बोला था कि हमारा एक आ, एक आप अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ उनके लिए एंड मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग बनाओ क्योंकि हम एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं ठीक है कैबिनेट मिशन ने लेकिन उनकी उस डिमांड को रिजेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान देयर वॉज टू बी ए यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला था कि एक ही यूनियन ऑफ इंडिया होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी आएगा और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो दोनों होंगे एंड जिसमें फॉरन अफेयर्स डिफेंस एंड कम्युनिकेशन पे जोरिस्डिक्शन होगा ठीक है एंड सारे जो रेस्ट्योरी पावर्स होंगे वो प्रोविंसेस और स्टेट्स के पास होंगे तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखना है इसकी डेट 1946 में आई थी एंड इट रिजेक्टेड द क्लेम फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसके बाद माउंट बैटन प्लान है माउंट बैटन प्लान जो है ये आपका नाइन्टीन का है जिसमें हम देखते हैं कि ये प्लान वॉज़ फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू तो द इंडियंस एंड द पार्टिशन ऑफ कंट्री माउंट बैटन जिसने पार्टीशन किया था अगर आपको पता होगा हीट द लाइन्स ऑफ पार्टीशन एंड इंडिया को आज़ाद करना था तो उसी जो ट्रांसफ़र करना था पावर फ्रॉम ब्रिटिश तो इंडिया वही इस प्लान का मकसद था ठीक है इट वॉज द इट वॉज गिवन अ फॉर्मल शेप बाई द स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन थर्ड जून नाइनटीन थर्ड जून नाइनटीन को फिर uh, जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला गया कि इंडिया को हम आज़ाद करें इंडिया शैल बी अ एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी फिर इसमें आता है आपका 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फोर्टी सेवन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवर्न स्टेट एंड इट डेजिग्नेटेड वॉइस रॉय वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एंड द प्रोवेंशल गवर्नर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स इसके अलावा इसमें मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है ये 1947 का जो एक्ट था बेसिकली यहाँ इंडिया को आज़ाद करने के लिए वहाँ एक एक्ट पास किया गया कि ऐसे पार्लियामेंट में हम आज के बाद इंडिया को आज़ाद कर देते हैं ठीक है तो अगर हम फिर से मैं रेवल्यूशन की बात करूं, तो अब आप एक काम करो अब आप रिवाइज़ करने की कोशिश करो अपने माइंड में कि हमने क्या पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में शुरुआत होती है कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जाता है एंड विलियम uh, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉन हेस्टिंग्स थे तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस है उनको अलग अलग कर देती है एंड ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है इट डिक्लेयर्ड द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया एज द ब्रिट्स पोजिशन इन इंडिया ये भी आपको याद रखना है हमने देखा कि एटीन का जो चार्टर एक्ट था इसने मोनापली जो थी जो ट्रेड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया फिर चार्टर एक्ट 1833 आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसमें हमने देखा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बैंटिक थे एंड इट आल्सो एंडेड द एक्टिविटीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी एज द कमर्शल बॉडी उसको ख़त्म कर देता है आपका एटीन का चार्टर एक्ट फिर एटीन का जो चार्टर एक्ट था इसमें जो लेजिलेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल के उसको अलग अलग किया जाता है एंड ओपन कंपटीशन लाया जाता है इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ठीक है इसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1858 आता है इसमें जो रूल ऑफ कंपनी है उसको रिप्लेस करता है रूल ऑफ़ क्राउन इसके अलावा हमने देखा कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करती है इन इंडिया एज़ थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट करता है अपने एजेंट को जिसका नाम वो रखता है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल को बनाया जाता है वॉइस रॉय एंड वॉइस रॉय जो फर्स्ट थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उसको ख़त्म किया जाता है फिर उसके बाद आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन सिक्सटी वन एटीन नाइन्टी टू एंड नाइन्टीन जीरो नाइन एटीन सिक्सटी वन वाला जो था फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की रिप्रेजेंटेशन आती है वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसके बाद जो एटीन नाइन्टी टू का इसमें इंडायरेक्ट एलेक्शन आपको याद रखने हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इसके बाद 1909 जीरो नाइन के जो इंडियन एक्ट था उसको हम मॉलीमटोरी फॉर्म्स कहते हैं मॉलीमेंटोरीफॉर्म्स कहते हैं इसमें डायरेक्ट एलेक्शन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड इसके अलावा कि इसमें सेंट्रल लेजिस्टिव काउंसिल का नाम इम्पीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल रखा गया और साथ में सेपरेट एलेक्टोरेट जो बहुत ही एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि कॉम्यूनल एलेक्टोरेट की शुरुआत होती है यहीं से एंड इसके अलावा इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर गिवन प्लेस इन वॉइस रॉइज एग्जेक्टिव काउंसिल इससे पहले जो मैंने आपको बोला कि 1861 था उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी लेजिसलेटिव काउंसिल में ठीक है लेकिन वो प्रोविंशियल लेजिसलेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे वॉइस रॉय की लेजिस्टिव काउंसिल में पहली बार 1909 में इंडियंस को जगह मिली थी इसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन आता है जिसको हम मॉन्टेगू चम्स फॉर रिफॉर्म्स कहते हैं इसमें हमने देखा कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे उनको अलग किया गया फ्रॉम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डायरार की स्कीम जो है डायरार डराची इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जिसमें हमने देखा डैराची में क्या होता है कि ज के सब्जेक्ट्स थे या प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे उनको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे रिज़र्व सब्जेक्ट्स जो थे उनमें गव उनमें जो गवर्नर होता था ही वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजस्लेटिव काउंसल वो लाइक अपने हिसाब से बना सकता था ठीक है कानून इसके बाद हमने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम बाइक एमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है एट द सेंटर हमने उसके बाद फिर देखा साइमन कमीशन आता है 1927 में और साइमन कमीशन का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की के वर्किंग को इंक्वायर करना कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना सक्सेसफुल रहा है ठीक है एंड 1930 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है एंड इंडियन इसको एक फेलियर कंसडर करते हैं इस वजह से साइमन गोबैक के नारे लगते हैं फिर नाइनटीन में इसी की बेसिस पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये एस्टैब्लिश करता है एज इन एंड ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें आपके प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स आते हैं थ्री लिस्ट ये इंट्रोड्यूस करता है दैट इज़ फेडरल लिस्ट प्रोविशल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इसके अलावा ये जो प्रोविंस में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से नाइनटीन नाइनटीन में उसको ये ख़त्म कर देता है एंड इसके अलावा इट इंट्रोड्यूस द प्रोवेंशल ऑटोनोमी बाई कैमरलिज्म जो सेंट्रल में सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको अब प्रोविंस में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करती थी उसको भी जो है अबॉलिश किया जाता है फिर उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आता है क्रिप्स मिशन को हैड करते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में आता है और ये कुछ uh, क्रिप्स मिशन जो है ये एक ड्राफ्ट सबमिट करता है जिसमें कुछ uh, सजेशंस होती हैं इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसको कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी इसके अलावा इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इसके अलावा जो प्रोविंस या जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनके पास दे विल हैव एन ऑप्शन टू सीड विद इंडिया और टू बी इंडिपेंडेंट उनके साथ फिर अलग ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना uh, um, um, जो है अरेंजमेंट uh, कर सकती थी इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो कि 1946 में आता है उस टाइम पे लॉर्ड एटली होते हैं प्राइम मिनिस्टर वो भेजते हैं तीन लोगों को इंडिया भेजते हैं वो तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स एंड मिस्टर ए वी एलेक्सेंडर इन तीन लोगों को वो भेजते हैं एंड ये जो क्रिप कैबिनेट मिशन प्लान है दिस रिजेक्टेड द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो प्रपोजल दिया था मुस्लिम लीग ने उसको वो रिजेक्ट करता है इसके बाद आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है एंड उसके बाद माउंट बैटन प्लान आता है एक्चुअली नाइनटीन फोटी सेवन में माउंट बैटन प्लान जो है वो आपको वो प्लान जो है वो ट्रांस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्राम ब्रिटिश ब्रिटिशर्स टू इंडियन वो देखता है एंड साथ में पार्टीशन भी वो वही देखता है माउंट बैटन प्लान के वही दो काम थे ठीक है फिर उसके बाद आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जो डिक्लेयर करता है इंडिया को एज़ द एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन नेशन ठीक है अब यहाँ पे इसके साथ आपका हिस्ट्री खत्म होता है नाउ अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे हा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमने देखा अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई अब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को किस तरह बनाया गया उसमें कौन कौन लोग थे और उन्होंने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया